हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मृणाल घोष और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हम बहुत ही आसान तरीका से आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन में आ जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको कोई भी एक ब्राउज़र से गूगल पे जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, गूगल पे चला जाएंगे। गूगल पे चला जाएंगे तो नीचे हमको सर्च बार दिखेगा। इस सर्च बार में जाना पड़ेगा। सर्च बार में जाके हमको लिखना पड़ेगा UIDAI। तो हम क्या करेंगे, सर्च बार में जाके लिख देंगे UIDAI। UIDAI लिख के सर्च करने से पहला वाला जो लिंक इधर आ जाएगा UIDAI.gov.in, वही लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। वही लिंक पर क्लिक कर देंगे तो UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला लिंक पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए इधर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया। तो इधर नीचे हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा माय आधार, वही माय आधार ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। माय आधार के अंदर हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा आधार सर्विसेज, वही आधार सर्विसेज ऑप्शन में जाना पड़ेगा। आधार सर्विसेज के अंदर हमको पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वेरीफाई एंड आधार नंबर, वही ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई एंड आधार नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई एंड आधार नंबर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए हमको ओके करना पड़ेगा। ओके कर देंगे तो एक नया पेज इधर ओपन हो जाएगा। तो देखिए इधर वेरीफाई आधार का पेज आ गया। इधर हमको सबसे पहले आधार नंबर डालना पड़ेगा, उसके नीचे सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा डालना पड़ेगा। दोनों फिलअप करने के बाद नीचे हमको प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार का ऑप्शन मिल जाएगा, वही प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर पूरा फिलअप कर देंगे। तो देखिए इधर हम पूरा फिलअप कर दिया। तो देखिए इधर हम आधार नंबर भी डाल दिया, उसके साथ सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा भी डाल दिया। दोनों डालने के बाद प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार ऑप्शन क्लिक कर देंगे। इधर क्लिक कर देंगे तो देखिए इधर मेरे को आधार नंबर दिख रहा है और दिख रहा है एग्जिस्ट, यानी आधार नंबर एग्जिस्ट है। और नीचे मेरे को दिख रहा है आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इधर नीचे हमको एज बैंड दिखेगा, उसके नीचे हमको जेंडर दिखेगा, जेंडर के नीचे स्टेट का नाम दिखेगा, स्टेट का नाम के नीचे हमको मोबाइल नंबर दिखेगा, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही मोबाइल नंबर दिखेगा। मोबाइल नंबर का लास्ट 3 डिजिट हमको इधर दिखता है। तो ऐसे ही हम बहुत ही आसान तरीके से अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन में। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे शेयर करना, और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नया वीडियो के साथ। जय हिंद।